गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर थ्री दिया है, क्लास फोर्थ की बात करें, चैप्टर थ्री मोर ऑन विंडोज़ सेवन। तो विंडोज़ सेवन के बारे में हम बहुत कुछ जान लेते हैं इसमें। लास्ट ईयर भी हमने विंडोज़ सेवन के बारे में कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत, तो आज इसमें हम जान लेते हैं। चैप्टर वन और चैप्टर टू हमारा कम्प्लीट हो गया है, उसकी PDF भी मैंने ग्रुप पर भेज दी है। अगर किसी स्टूडेंट्स को PDF नहीं मिली है, बाई चांस मिस हो गई है, उसे पता नहीं चल रहा है, तो आप पर्सनली भी मुझे फ़ोन करके बोल सकते हो, सर PDF भेज दीजिए, तो मैं आपको PDF भेज दूँगा। तो क्या दिया, लेसन एट ग्लैंस। तो क्या क्या हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा विंडो 7 एन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में बताएंगे हम। हाउ विंडो 7 इज़ डिफरेंट। विंडो 7 जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो दूसरी विंडोज है, हमारी विस्टा है, XP है, विंडो 10 है, उनसे कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। फीचर्स ऑफ विंडो 7, विंडो 7 के फीचर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यूजिंग स्टार्ट मेन्यू, कैसे हम स्टार्ट मेन्यू का यूज करते हैं। एसेसरीज एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा जो एसेसरीज होती है हमारी, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम इसकी हेल्प से हम खोल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, बुक ले लीजिए, पेज नंबर दिया हमारा 26। विंडो 7 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए भाई मैं आपको पढ़ने से पहले बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो हमें कंप्यूटर से जोड़ता है। जैसे एग्जांपल आप मोबाइल चलाते हो, एंड्रॉयड मोबाइल है, एप्पल मोबाइल है, तो अगर उसमें एंड्रॉयड वर्जन ही नहीं होगा तो आपका मोबाइल नहीं चलेगा। अगर मोबाइल नहीं चलेगा तो आप उस पर कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। ऐसे ही कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडो 7। विंडो विस्टा भी है, विंडो 10 भी है, विंडो XP है, लेकिन हम आज विंडो 7 के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो विंडो 7 क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा डेफिनेशन अगर दे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जोड़ना, यूजर एंड कंप्यूटर, हमें और कंप्यूटर से जोड़ता है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर वर्क कर पाते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्या कहा इसने, विंडो 7 एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोड्यूस बाय द माइक्रोसॉफ्ट। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्रोडक्ट किया गया है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है फॉर यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और जिसका यूज़ हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक बार में एक ही यूज़र वर्क करता है। जैसे मोबाइल को एक बार में एक ही व्यक्ति चला सकता है, कंप्यूटर को एक बार में एक ही व्यक्ति चला सकता है, तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया है वो हमारा। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसे यूज किया जाता है, किसको, विंडोज 7 को। आगे क्या दिया है, इट इज़ द फॉलो अप टू द विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कुछ और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो विस्टा है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो विंडो 7 के बाद में आया था, विच वाज रिलीज इन 2006, जो 2006 में हमारा बना था। तो विंडो 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं, जो हमें कंप्यूटर पर वर्क करने की परमिशन देता है, और जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है किसके किस लिए, पर्सनल कंप्यूटर्स के यूज के लिए। इसके अलावा विंडो विस्टा है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जो उससे आगे बाद में आए, विंडो 7 के बाद में आया विंडो विस्टा, आया विंडो 8, आया विंडो 10 आ गई है हमारी। तो हम बात करें विंडो 7 की केवल यहाँ पर, देखिए विंडो X, ये देखो विंडो 7 है हमारा। तो विंडो जो विस्टा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रिलीज हुआ था 2006 में। आगे क्या दिया है, इट्स अलाउ ओवर कंप्यूटर टू मैनेज सॉफ्टवेयर। ये हमें अलाउ करता है, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं, एंड रन द स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब इसने कहा है कि अलग अलग वर्क के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जैसे हमें पेंटिंग बनानी है तो हम कहाँ जाएंगे भाई, माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलेंगे। कोई गाना सुनना है तो हम विंडोज मीडिया प्लेयर खोलेंगे, है ना। कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है तो हम वर्ड खोलेंगे। तो इस तरह से हम ये हमें परमिशन देता है विंडो 7 सॉफ्टवेयर को रन करने की, और स्पेसिफिक जॉब मतलब अलग अलग वर्क को करने की। इट आल्सो प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। जब GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आपको WhatsApp खोलना है तो आप उसको आइकन आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वो ग्राफिक्स होता है एक तरह से। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि WhatsApp ओपन करो ना। कैरेक्टर इंटरफेस, कैरेक्टर में तो आपको लिखकर प्रोग्राम को खोलना होता है। जैसे सिंपल पहले बेसिक फ़ोन आते थे, उनमें कुछ नहीं चलता था, वो कैरेक्टर इंटरफेस थे।
कंप्यूटर में भी ऐसे ही आता था पहले जब हमारा डोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन जब से विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ग्राफिकल हो गया, यानी कि कोई भी प्रोग्राम खोलना है उसके आइकन पर आप क्लिक कीजिए, ग्राफिक्स पर क्लिक कीजिए, वो ओपन हो जाता है। दैट अलाउ अस टू विजुअली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर फंक्शन इन लॉजिकल एंड ईजी वे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू क्या है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप रन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली लॉजिकल वे में बड़े आसान तरीके से उसके जो आइकन्स हैं, उसका जो ग्राफिक्स है, उस पर आप क्लिक करके आसान तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैप फीचर ऑफ विंडो 7 अलाउ अस टू रिसाइज द ओपनिंग विंडो। रिसाइजिंग मतलब जैसे कि यहाँ पर ये विंडो आपको दिखाई दे रही है, आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपके सामने खुल के आ जाता है, जैसे पेंट आपने ओपन किया तो आपके सामने पेंट खुल के आ जाता है, उसके साइज़ को आप रिसाइज कर सकते हो, यानी कि विंडो को इंक्रीज बढ़ा भी सकते हो, जो आपके सामने आता है उसको बढ़ा भी सकते हो, उसको घटा भी सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो। तो इस तरह ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आसानी से इसमें आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हाउ विंडो 7 इज़ डिफरेंट। तो कैसे विंडो 7 डिफरेंट है अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से, क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ सिंप्लीफाइड द वर्किंग ऑन कंप्यूटर थ्रू GUI बाई फंक्शन ईजर टू यूज। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमारा विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, इसकी हेल्प से जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं तो बड़े आसान तरीके से आप वर्क कर सकते हैं और बड़े ईजी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उदाहरण दें, गेटिंग बेटर प्रीव्यू ऑफ विंडो ऑन द टास्क बार। अगर आपको बढ़िया प्रीव्यू चाहिए, बेटर प्रीव्यू चाहिए टास्क बार पर, तो क्या करेंगे, स्मार्ट एंड फास्ट सर्चिंग फॉर फाइल, आसानी से किसी भी फाइल और फोल्डर को आप सर्च कर सकते हो, ईजी शेयरिंग थ्रू होम ग्रुप नेटवर्क, और आसानी से किसी भी फाइल या फोल्डर को आप शेयर कर सकते हो, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में शेयर करते हैं ऐसे ही आप विंडोज 7 में भी आसानी से शेयर कर सकते हो। तो ये डिफरेंट करता है विंडोज 7 को। विंडोज 7 हैज़ इम्प्रूवड द परफॉर्मेंस ऑफ डेस्कटॉप, और इसके जो डेस्कटॉप है इसको हाई परफॉर्मेंस के लिए इम्प्रूव किया गया है, यानी कि किसी प्रोग्राम को जैसे आपको ओपन करना है, ये हमारा डेस्कटॉप है, दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा डेस्कटॉप है, इस पर यहाँ हमारा पेंट का आइकन है, ठीक है, पेंट प्रोग्राम जो होता है उस पर आप क्लिक करिए, आपका पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा, तो बड़ा आसान तरीके से खुल गया, आपको लिखना नहीं पड़ा कि MS पेंट को ओपन करिए, फिर वहाँ जाइए, फिर वहाँ जाइए, उसके बाद वहाँ जाइए, इस तरह का कोई झंझट नहीं है, डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पर आइकन होगा, उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, वो ही प्रोग्राम आपका खुल जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, PCs by supporting 64-bit processing, ये इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, यानी कि इतनी जल्दी से प्रोसेसिंग करता है, एज ए रिजल्ट देता है, इट हैज़ रीच द स्टैंडर्ड ऑफ डेस्कटॉप एडिशन विंडोज 7 डिजाइन टू स्लीप एंड रिज्यूम फास्टर, यूटिलाइजेज मेमोरी एंड रिकॉग्नाइज USB डिवाइस फास्टर। तो आसानी से आप इसमें वर्क कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि हर चीज़ आपको आसानी से इसमें, इसको चलाना बड़ा आसान है, आराम से आप चला सकते हो, कोई भी USB ड्राइव लगा सकते हो, बड़ी तेज़ी से रिजल्ट भी, किसी भी प्रोसेसिंग का आपको रिजल्ट आसानी से इसमें मिल जाता है। सम इम्प्रूवमेंट फॉर द यूजर्स वर्किंग ऑन विस्टा। तो चलिए थोड़ा सा हम विस्टा के बारे में भी देख लेते हैं, विंडो विस्टा क्या है, ठीक है भाई, विंडो विस्टा का आइकन तो ये है, ठीक है, विंडो 7 का ये है, विस्टा का ये है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़े जो फीचर्स होते हैं हमारे वो डिफरेंस होते हैं। तो सम इम्प्रूवमेंट फॉर द यूजर्स वर्किंग ऑन विस्टा, अगर आप विंडो 7 से विंडोज विस्टा पे वर्क कर रहे हैं तो कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं इसने, इम्प्रूव्ड बैकअप, तो आप उसमें बैकअप भी ले सकते हैं, बाई चांस आपकी फ़ाइल डिलीट, कंप्यूटर ख़राब हो गया है और वो फ़ाइल इम्पोर्टेंट है तो आप अलग से उसका बैकअप भी ले सकते हैं, आपकी वो फ़ाइल लॉस्ट नहीं होगी। क्विक डेस्कटॉप व्यू बटन, और डेस्कटॉप व्यू बटन भी मिलेगा, आप आसानी से डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। न्यू वॉलपेपर एंड थीम्स, नई वॉलपेपर्स और नई थीम्स आपको मिल जाएंगे। न्यू टास्क बार एंड नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार मिलेगी आपको बॉटम पे नीचे, और नोटिफिकेशन एरिया जिसमें आपको कंप्यूटर बताता रहता है कि आपको क्या करना है, कौन कौन सी जो ऐप्स हैं वो अपडेट करनी है, क्या आपने कंप्यूटर से अटैच किया, क्या आपने रिमूव किया, वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएगा।
यूज़र अकाउंट कस्टमाइज फोन नोटिफिकेशन, एक कंप्यूटर पर आप 5 से 6 यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। सपोज दैट घर में एक कंप्यूटर है और यूज़ करने वाले कितने हैं, 3, तो आप और वो चाहते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को पता ना चले, जो जो वर्क करते हैं एक दूसरे से शेयर ना हो, तो आप अलग अलग यूज़र अकाउंट बनाकर भी एक कंप्यूटर पर 3 यूजर्स वर्क कर सकते हैं। एक साथ नहीं करेंगे लेकिन अलग अलग टाइम में कर सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस स्टार्टअप स्लीप एंड रिज्यूम। इसके अलावा एक फंक्शन दिया कि आप कंप्यूटर पर अगर वर्क नहीं करें तो स्लीप मोड में डाल दीजिए स्टार्टअप में, और वहीं से जहाँ से आपका वर्क छूटा है वहीं से कंप्लीट भी कर सकते हैं। इम्प्रूव पावर मैनेजमेंट, यानी कि जो पावर है वो भी कम हो गई है, पावर मैनेजमेंट भी कम हो गया है, बड़ी कम पावर में वर्क फास्ट करता है। इम्प्रूव एक्सेस फाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी आसानी से आप किसी भी फाइल और ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ सकते हो, किसी भी फाइल्स अगर आपकी फाइल्स कंप्यूटर में पड़ी है उसको आप ढूंढ सकते हो। एडवांस कैलकुलेटर फंक्शन, कैलकुलेटिंग करने के एडवांस फंक्शन है। डिवाइस स्टोरेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन USB ड्राइव फास्टेज। इसके अलावा बाहर से कोई भी स्टोरेज करने के लिए बाहर से डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे आपको वर्क डायरेक्टली कंप्यूटर में सेव नहीं करना है, डायरेक्टली आप पेन ड्राइव बाहर से लगा रहे हो उसमें ही वर्क सेव करना है, तो आप आसानी से उसमें वर्क सेव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सम इम्प्रूवमेंट्स ओवर विंडोज XP। तो विंडोज 7 से पहले भी हमारी विंडोज XP थी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP, ये उसका आइकन है, सेम रहता है आइकन तो इनका, लेकिन थोड़ा फीचर डिफरेंस होते हैं। तो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ विंडोज 7 में, न्यू स्टार्ट आइकन, एक नया स्टार्ट आइकन आया है उसमें। ए सर्च बार इन द स्टार्टअप मेन्यू, स्टार्टअप मेन्यू में एक सर्च बार दी जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम या फाइल को ढूंढ सकते हैं। एरो स्नैप स्नैक एंड पीक, बड़े आसानी से किसी भी एरो को किसी भी डेस्कटॉप सॉरी किसी भी प्रोग्राम विंडो को आप मूव कर सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं और उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। लार्जर एंड हिडन आइकन इन द टास्क बार, आप टास्क बार पर आइकन हिडन कर सकते हो और रख भी सकते हो। जंप लिस्ट फॉर ईजर एक्सेस, और लिस्ट को एक दूसरे से बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पैरेंटल कंट्रोल और मॉनिटरिंग कंप्यूटर यूज, और उसको आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को अपने हिसाब से रख सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन आर एक्सेस थ्रू द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के थ्रू आप डेस्कटॉप पर आइकन भी ला सकते हो। रिफ्लैश क्विक लॉन्चर बार टूल बार बाई पिनिंग ऑफ द प्रोग्राम टास्क बार, और कोई भी प्रोग्राम आप चाहते हैं कि हमें डेस्कटॉप से ना ओपन करना पड़े, स्टार्ट बटन से ना ओपन करें, आप उसे नीचे जो हमारी बॉटम पे टास्क बार होती है उस पर रख सकते हैं। फास्टर गेमिंग कंपोनेंट्स, और आप आसानी से उसमें गेमिंग भी खेल सकते हो। तो ये विंडो विस्टा और विंडो 7 के कुछ फीचर्स थे भाई जो हमने पढ़े। इनसे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी विंडो 7 में, इनसे बेटर वर्क कर पाते हैं विंडो 7 में। विंडो विस्टा भी अच्छी है लेकिन XP से इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे विंडो 7 में। तो फीचर्स ऑफ विंडो 7 ये हम आपको पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए तो केवल इतना ही बच्चों, इसमें अलग अलग फीचर्स है आपको दिखा देते हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा आगे, ठीक है। स्नैक 3D आइकन्स, देखो ये 3D आइकन्स है, तो ये सब इसके फीचर्स हैं विंडोज 7 के। बड़े इंटरेस्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कुछ भी थीम वगैरह वॉलपेपर अगर आपको चेंज करना है तो ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं अभी, विंडोज 7 के बारे में पढ़ा हमने। विंडोज 7 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें कंप्यूटर से जोड़ता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। ये एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस नहीं है, लिखकर कुछ भी चीज़ नहीं है आपको फाइंड करनी है, डायरेक्टली उसका आइकन मिल जाएगा आपको प्रोग्राम का, जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हो और उसका या फिर उसका ग्राफिक्स होगा उस पर आप क्लिक करके बड़े आसान तरीके से इसको ओपन कर सकते हो। इसको ऑपरेट करना और चलाना बड़ा ईजी है। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर हमें विंडो विस्टा के दिए थे कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं, लगभग सिमिलर फीचर्स रहते हैं, एक दो फीचर्स डिफरेंट्स होते हैं। क्या, एक तो थीम डिफरेंट हो जाएगी देखने का, जैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन होता है अलग अलग कंपनी के अलग अलग मोबाइल फ़ोन आएंगे, होता है उनमें एंड्रॉयड सिस्टम है, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं थोड़े डिफरेंट्स हो जाते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, बाकी तो सिमिलर ही रहते हैं। तो ये डिफरेंस है विंडो 7 में और विंडो XP और विंडो विस्टा में, लेकिन फ़ीचर्स थोड़े एडवांस होते हैं विंडो 7 में। तो क्या क्या एडवांस फीचर हैं विंडो 7 में ये हम आपको कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरी बात, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने सभी स्टूडेंट्स को करा दिया है,
अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास उसकी पीडीएफ नहीं पहुंची है तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकते हैं कि सर हमारे पास पीडीएफ नहीं आई है, तो हम उसको भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।